Hello students, today we will discuss few more input devices of a computer system. तो अभी तक जैसे हम लोग कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और जॉयस्टिक, ये सारे डिवाइसेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वो सारी वीडियोस चैनल पे है, आप चाहे तो रिफर कर सकते हैं. कुछ और इनपुट डिवाइसेस, जैसे पहला है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है. सेकेंड है आपका OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन. थर्ड है आपका OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन. फोर्थ है लाइट पेन. फिफ्थ इज ग्राफिक टैबलेट एंड द सिक्स्थ इज माइक्रोफोन. आज हम लोग इन डिवाइसेस के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे. तो जैसे पहले पहली डिवाइस की हम लोग बात करें, MICR. MICR बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन. तो देखिए MICR क्या होता है, सिंपली इसमें MICR इज ए करेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी एंड इट इज यूज्ड प्राइमरी इन बैंकिंग इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ चेक. तो MICR देखिए, आप जैसे आपका सेविंग बैंक में अकाउंट होगा, आप देखेंगे तो बैंक में जैसे IFSC कोड तो आप सब लोग जानते हैं, ब्रांच का कोड होता है, ठीक है. इसके अलावा आप देखिए तो एक MICR कोड भी होता है. MICR कोड हर चेकबुक पे आप नीचे देखेंगे तो MICR कोड लिखा होता है. तो उसमें क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर के उस अकाउंट की कौन से चेक की सीरीज है, वो सारे जो डेटा है वो कोडेड फॉर्म में चेकबुक पे बना रहता है, ठीक है. आप किसी भी चेक पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा. तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन क्या करता है कि ये सिंपली ये टेक्नोलॉजी है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होती है, और इससे क्या होता है कि जो चेक की प्रोसेसिंग है वो फास्टर हो जाती है. मतलब जो आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है वो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उनको रीड कर लेता है, तो मैनुअल रीडिंग की अपेक्षा ये काम फास्ट हो जाता है. तो यहाँ पे MICR का यूज किया जाता है. इसमें क्या होता है, इन दिस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स आर अलाउड टू रीड इंफॉर्मेशन सच एज अकाउंट नंबर एटसेट्रा ऑन द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स. करेक्टर्स आर प्रिंटेड इन स्पेशल टाइप फेसेस विद ए मैग्नेटिक इंक. तो ये सारा होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन में, ठीक है. अच्छा, MICR कोडिंग सिस्टम में जनरली क्या होता है कि जब आप MICR कोड की आप बात करेंगे, MICR कोड, तो क्या होगा कि जनरली इसमें 14 डिजिट्स यूज होते हैं, ठीक है. 14 यानी किसी का भी MICR कोड होगा वो 14 डिजिट का होगा या 14 करेक्टर का होगा, बल्कि डिजिट नहीं, आप इसको 14 करेक्टर मान लीजिए, ठीक. और इन 14 करेक्टर में चार करेक्टर तो होते हैं स्पेशल सिंबल, और बाकी के जो 10 होते हैं वो 10 होते हैं डेसिमल डिजिट. आपकी 0 से 9 तक की जो भी डेसिमल डिजिट आप वहां पे यूज करेंगे, ठीक है, चार स्पेशल सिंबल होते हैं और 10 जो है डेसिमल डिजिट होते हैं 0 से 9 तक, ठीक है. और इसमें जो टाइप फॉन्ट यूज होता है MICR कोड को लिखने के लिए, द टाइप फॉन्ट E13B, ये ध्यान रखिएगा. इसमें कौन सा टाइप फॉन्ट यूज होता है, टाइप फॉन्ट, ये टाइप फॉन्ट यूज होता है E13B. दिस टाइप फॉन्ट इज यूज इन MICR टेक्नोलॉजी, क्लियर. तो ये आपका होगा. दिस वॉज ऑल अबाउट द MICR, कि MICR में क्या होता है. अब इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करें, तो MICR के जो एडवांटेज है, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ MICR. तो जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर MICR आर डिफिकल्ट टू फॉर्ज. मतलब इसमें जो फॉर्जरी होती है, जो धोखाधड़ी होती है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लोग बना लेते हैं, वो अगर आप MICR यूज करके बनाते हैं तो उसके चांसेस मिनिमम हो जाते हैं या लगभग खत्म हो जाते हैं, ठीक. सेकेंड जो आपका एडवांटेज है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स कैन स्टिल बी रेड आफ्टर बीइंग फोल्डेड और स्प्लिट. मतलब डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए जैसे कोई चेक है, अगर आपने उसको फोल्ड भी कर दिया है
या मान लीजिए वो स्प्लिट भी हो गया है तो भी उसके MICR कोड को रीड करके आप उसके पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। तो ये दो एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज ये है कि जो MICR एनकोडर और डिकोडर होते हैं, जो मशीनें यूज होती हैं, जो डिवाइस यूज होता है उसकी एनकोडिंग में और एंड डिकोडिंग में, ठीक है, वो जो डिवाइसेज हैं वो कॉस्टली होते हैं। ठीक, पहला तो डिसएडवांटेज ये है। दूसरा ये है कि द सिस्टम कैन ओनली एक्सेप्ट ए फ्यू करेक्टर्स। सिस्टम जो है कुछ सर्टेन करेक्टर्स ही यूज करता है। द सिस्टम कैन यूज ओनली फ्यू करेक्टर्स। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द MICR। अब आ जाइए ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। OCR में क्या होता है? ठीक है, MICR हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन की। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन में क्या होता है कि OCR इज द मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन ऑफ स्कैंड इमेजेस ऑफ हैंड रिटन, टाइप रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू मशीन एनकोडेड टेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए इसको आप समझिए क्या है। ये है OCR, हो गया ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, OCR टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी इमेज है, इमेज का मतलब कि चाहे उसके अंदर टेक्स्ट बना हुआ हो या कुछ भी है, चाहे हैंड रिटेन टेक्स्ट हो आपका, हैंड रिटेन हो, चाहे प्रिंटेड टेक्स्ट हो, ठीक है, और चाहे आपका वो किसी भी तरह का टेक्स्ट मैटर है, टाइप रिटेन है, ठीक है, चाहे आपका हैंड रिटेन, चाहे आपका प्रिंटेड और चाहे आपका टाइप रिटेन, ये किसी भी तरह का अगर टेक्स्ट है तो इसको ये क्या करेगा, ये मशीन एनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इट विल ट्रांसलेट दिस टेक्स्ट इनटू मशीन, इसको कन्वर्ट कर देगा मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में, एनकोडेड टेक्स्ट में। ये काम होता है OCR का। जनरली ये यूज कहाँ होता है? इट इज वाइडली यूज टू कन्वर्ट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, टू कंप्यूटराइज ए रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इन एन ऑफिस और टू पब्लिश द टेक्स्ट ऑन ए वेबसाइट। तो ये सारे जो है ये जनरली रिकॉर्ड्स को, जो भी फाइलें वाइलें हैं, ऑफिशियल फाइलें हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, कोई रिकॉर्ड्स है, कुछ भी है, उन सबको अगर हमको डिजिटल फॉर्म में सेव करना है कंप्यूटर में, तो उनको हम OCR की मदद से ही कंप्यूटराइज फॉर्म में कन्वर्ट करके सेव कर लेते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है, टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है इसमें? आप कह सकते हैं एन ऑप्टिकल रीडर यूजेस फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस टू स्कैन द करेक्टर बीइंग रेड एंड कन्वर्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट पैटर्न्स ऑफ द डाटा इनटू बाइनरी डेटा सुटेबल फॉर कंप्यूटर इनपुट इनपुट। मतलब इसमें क्या करता है कि ये सिंपली क्या यूज करता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को यूज करता है, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज करता है जो रिफ्लेक्ट, जब लाइट आप डालोगे इस पे अपने डॉक्यूमेंट्स पे, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसी से वो वन या जीरो की फॉर्म में उस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देता है। और आप जानते हैं 1-0 फॉर्म जो होती है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होती है। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट द OCR। अब इसमें OCR में हालांकि अभी अंडर डेवलपमेंट है, आगे एक फर्दर टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, ICR। ICR क्या है? इंटेलिजेंट, ठीक है, करेक्टर रिकॉग्निशन।
ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो इसमें क्या होगा कि और फास्ट जो है काम हो पाएगा। अभी आज की डेट में जो ओसीआर रीड करता है, ओसीआर की स्पीड वो होती है 1500 से, 1500 से लेकर और 3000 करेक्टर पर सेकंड ये कन्वर्ट कर सकता है। आईसीआर के इम्प्लीमेंटेशन से या आईसीआर जब फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा, जब यूज में आ जाएगा, तो ये स्पीड और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओसीआर। अब थर्ड हम लोग जो पढ़ते हैं, थर्ड हम लोग पढ़ते हैं ओएमआर। ओएमआर होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ओएमआर शीट आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, फिल भी की होगी। ओएमआर शीट से आप लोग जो है काफी फैमिलियर भी होंगे। तो दिस ओएमआर स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन क्या होता है? ओएमआर इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क डाटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स सच एज सर्वे एंड टेस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे ओमार शीट आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह शीट होती है, और मान लीजिए चार आंसर है क्वेश्चन के, तो ये ऐसे बना रहता है। ठीक, और जो सही आंसर है उसको हम लोगों को इस तरह ब्लैक करना रहता है। ठीक, तो यही चीज, अब जिसको आप ब्लैक करोगे उसको जब ओएमआर डिवाइस रीड करेगी तो जहां पे ब्लैक है उसको वन करेगी, जहां पे कुछ नहीं है उसको वो जीरो मानेगी। इसीलिए ओएमआर शीट में ये कहा जाता है कि भाई ओवरराइट मत कीजिए या आधा बना के मत छोड़िए, क्योंकि मशीन उसको फिर रीड नहीं कर पाएगी कि वो वन है या जीरो है, तो फिर उसको वो नॉट अटेम्प्टेड में या वेस्ट में या जिसमें भी डालना होगा उस क्वेश्चन को डाल देंगे। तो ओएमआर का मतलब यही होता है कि ओएमआर इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क डाटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स फॉर्म सच एज सर्वे एंड टेस्ट। तो ये तो हो गया आपका ओएमआर का। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं लाइट पेन पे। लाइट पेन काफी वाइडली यूज डिवाइस है आज की डेट में। लाइट पेन में क्या होता है कि ये लाइट पेन इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ ए लाइट सेंसिटिव वैंड यूज इन कंजंक्शन विद ए कंप्यूटर सीआरटी टीवी सेट और मॉनिटर। ठीक है, लाइट पेन क्या होता है, जैसे आप जो टच स्क्रीन हम लोगों ने कल बात किया था कि ये जैसे मान लीजिए आपकी ये जो मॉनिटर है आपका वो टच स्क्रीन है, इफ दिस इज टच स्क्रीन, तो लाइट पेन जो डिवाइस होती है वो पेन की तरह होती है। आप जैसे मार्कर हम यूज करें इस तरह होती है, और उससे आप डायरेक्टली जैसे आपको स्क्रीन पे यहां पे पॉइंट करना है तो आप यहां पे ऐसे आपने अंडरलाइन किया तो वो वहां पे अंडरलाइन हो जाएगा, या यहां पे आपने 3 लिखा या आपने 2+3 लिखा इक्वल टू 5 लिखा, तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन यू मे राइट इट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ लाइट पेन, और इफ एनी पॉइंट यू वॉन्ट टू पॉइंट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन यू कैन पॉइंट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ए लाइट पेन। तो लाइट पेन का ये यूज होता है। ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो होते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज है कि वेरी इजी टू यूज, दूसरा आप कह सकते हैं कि इट इज वेरी यूजफुल फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, फॉर चेंजिंग शेप साइज लोकेशन कलर्स ऑफ द स्क्रीन इमेज, और थर्ड इसका एडवांटेज है कि वन कैन डायरेक्टली ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता है, नॉट वेरी एक्यूरेट वाइल ड्राइंग। सेकेंडली आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव होता है इन कंपेरिजन ऑफ माउस एंड अदर डिवाइसेस, और थर्ड आप कह सकते हैं कि इट इज टायरसम आफ्टर लॉन्ग यूजेज आवर्स। अगर आप इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो ये काफी आपके लिए टायरिंग हो सकता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइट पेन। अब आप आ जाइए नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है ग्राफिक टैबलेट। ठीक है, ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, ग्राफिक टैबलेट सिंपली एक आप समझ लीजिए आपके पास एक पैड है जिसके ऊपर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं ग्राफिक टैबलेट
या उसको हम डिजिटाइजर भी बोलते हैं, या डिजिटाइजिंग टैबलेट्स भी बोलते हैं, या ग्राफिक पैड भी बोलते हैं, या उसको ड्राइंग टैबलेट भी बोलते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ग्राफिक टैबलेट के कई नाम हैं। ठीक, पहला डिजिटाइजर, सेकंड डिजिटाइजिंग टैबलेट, थर्ड ग्राफिक्स पैड, नेक्स्ट ड्राइंग टैबलेट। तो ए ग्राफिक टैबलेट इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया एंड ए स्पेसिफिक पेन दैट वर्क्स विद द ग्राफिक टैबलेट, अलाउज आर्टिस्ट टू क्रिएट हैंड ड्रॉ इमेजेस एंड ग्राफिकल इमेजेस विद मोशन एंड एक्शन। सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि ग्राफिक टैबलेट क्या होता है। मान लीजिए ये कोई एक, जैसे आपका लेटर पैड होता है ना, ऐसे समझ लीजिए आपका ये राइटिंग पैड है। इसमें एक सर्टेन एरिया मार्क रहता है, मान लीजिए ये, ठीक। और आपने इस ग्राफिक टैबलेट को कनेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर से, ठीक। तो इसमें आप डायरेक्टली, आपने यहां पे कुछ भी लिखा, आपने लिखा ऐसे डायोड, तो स्क्रीन पे ये डायरेक्ट उसी टाइम रियल टाइम आपको लिखता जाएगा। आपने यहाँ पे कोई ड्रॉ किया, मान लीजिए आप कोई भी फूल फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो उसी टाइम यहाँ पे स्क्रीन पे ये ड्रॉ होता दिखेगा, ठीक। तो ये काम होता है ग्राफिक टैबलेट का, ठीक है। डायरेक्टली आप जो है कोई ग्राफिकल वर्क अगर आपको करना है तो आप इस ग्राफिक टैबलेट पे आप मान लीजिए आपको ट्राइंगल बनाना है, आप यहां जब ऐसे ट्राइंगल बनाओगे तो उसी टाइम यहाँ स्क्रीन पे आपको ऐसे ये ट्राइंगल बनता दिखेगा। तो अगर आपको कोई ग्राफिकल काम करना है, कोई आर्टिस्टिक काम करना है, तो दीस ग्राफिक टैबलेट्स आर वेरी यूजफुल, ठीक। एंड नाउ द लास्ट इनपुट डिवाइस, इससे भी आप सब लोग अच्छी तरह फैमिलियर है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? अगर आपको ऑडियो डाटा इनपुट करना है कंप्यूटर के अंदर तो यू हैव टू हैव ए माइक्रोफोन। क्लियर कि माइक्रोफोन का काम क्या है? माइक्रोफोन, या इसको हम अपने डेली लैंग्वेज में या शॉर्ट में बोलते हैं माइक, ठीक। माइक का काम क्या होता है? इट कैन सेंड इनपुट टू कंप्यूटर थ्रू ए स्पेशल इनपुट डिवाइस कॉल्ड माइक्रोफोन और माइक इन शॉर्ट। ए माइक कन्वर्ट्स द साउंड रिसीव्ड इनटू कंप्यूटर फॉर्मेट विच इज कॉल्ड डिजिटाइज साउंड और डिजिटल ऑडियो। तो माइक का काम यही होता है, जैसे अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, तो ये जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वो ऑडियो वॉयस है। ये माइक क्या करेगा? इस ऑडियो वॉयस को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्मेट में, क्योंकि कंप्यूटर केवल डिजिटल की फॉर्म समझता है, तो वो मेरी आवाज को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहा है और कंप्यूटर उसको रिकॉर्ड कर ले रहा है। तो ये काम होता है माइक का। माइक का एडवांटेज क्या है कि इट इज वेरी यूजफुल फॉर इनपुटिंग ऑडियो ऑब्लिक साउंड्स विच कैन नॉट बी इनपुट थ्रू अदर अवेलेबल इनपुट डिवाइसेज। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर मान लीजिए अभी तक हमने जितनी भी इनपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं अपने आज के लेक्चर में, इसके प्री में तीन तीन लेक्चर हैं मेरे इनपुट डिवाइसेस के ऊपर, तीनों में आपने देखा होगा कोई और डिवाइस ऐसी नहीं है जिसके थ्रू हम ऑडियो इनपुट कर सकें। तो दिस इज द ओनली डिवाइस माइक्रोफोन और माइक विच इज यूज टू इनपुट ऑडियो डाटा टू आर कंप्यूटर सिस्टम। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज ये है कि इट नीड्स स्पेसिफिक एंड एडिशनल हार्डवेयर कॉल्ड साउंड कार्ड विच मस्ट बी इंसर्टेड इन मदरबोर्ड। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझ लीजिए कि जैसे आप लीजिए, आपने मान लीजिए माइक ले लिया और ये आपका कंप्यूटर था, आपने इससे माइक कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो केवल कनेक्ट करने से नहीं होगा, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक आपको, आप समझ लीजिए, एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड करना होगा, उसको बोलते हैं साउंड कार्ड। ये साउंड कार्ड ही यहीं पे सारी सर्किट होती है जो ऑडियो वॉयस को, जो हमारी आवाज को कन्वर्ट करती है किसमें? डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, ठीक। तो आप सिंपली ये समझ लीजिए कि माइक से जो आवाज हम रिकॉर्ड करते हैं वो पहले जाती है कहाँ? साउंड कार्ड में,
वो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और साउंड कार्ड से फिर ये आगे जाता है कंप्यूटर में या उसकी प्रोसेसिंग यूनिट में। ठीक, तो ये एक डिसएडवांटेज है कि भाई अगर आप केवल माइक लेने से नहीं होगा, अगर आपको माइक यूज करना है तो साउंड कार्ड भी आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। वैसे आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में आप बात करेंगे तो जनरली सारे कंप्यूटर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन सब में साउंड कार्ड इनबिल्ट है या मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही मैन्युफैक्चरर साउंड कार्ड भी उसके साथ जोड़ देता है। किसके साथ? मदरबोर्ड के साथ। तो आई होप कि अब जो भी सारी इनपुट डिवाइसेस मैंने लास्ट 3 लेक्चर में आपको डिस्कस किया है और आपको बताया है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज के लेक्चर के अलावा या प्रीवियस वीडियोस में भी कोई भी चीज़ आपको क्वेरी है या कुछ और इनपुट डिवाइसेस आप जानते हैं जो इसमें नहीं कवर हुई है और उसके बारे में आपको जानना है, तो प्लीज़ कमेंट लाइन में आप उसको मेंशन कीजिए, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।